Hey guys, this side Arshdeep Singh and welcome to end-to-end YouTube channel. So, आज आप लोगों की डिमांड पे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड पे एक और वीडियो पावर बी आई के ऊपर है. ये एक मल्टी पेज इंटरकनेक्टेड डैशबोर्ड क्रिएट किया जाएगा इस बार विद सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइनिंग स्किल्स और कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपने शायद कभी पहले ना देखी हो एज अ बिगिनर. उसके साथ साथ बात करते हैं जो लास्ट वीडियो हमने पावर बी आई का डाला था उसके ऊपर यार क्या तगड़ा रिस्पॉन्स आया है. कभी सोचा भी नहीं था कि चैनल का फर्स्ट वीडियो एंड इट विल क्रॉस मोर देन 35,000 व्यूज इन विद इन 3 मंथ्स. तो वो जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी. वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आई है क्रिएटर के लिए भी और उसके साथ उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस बार इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत से लोगों ने तो प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा कि ये जो डैशबोर्ड क्रिएट किया गया है इस बार वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ आज की डेट में जो बहुत फेमस है. जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की आप बात करते हैं जैसे बिटकॉइन, डोजकॉइन, इथेरियम, ऐसी जो चीज़ें हैं ये सब क्रिप्टो करेंसी में काउंट होती हैं. एंड इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी यू कैन सर्च ऑन गूगल एज वेल. तो उससे पहले हम लोग डेटा सेट की बात कर लेते हैं. जो डेटा सेट है वो कहाँ से आने वाला है, तो ये URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये कैगल कम्युनिटी का डेटा सेट है और कैगल जो है ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है मशीन लर्निंग, AI, डीप लर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं, एंथुसियास्ट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं वो लोग इसको काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं. इसके ऊपर फ्री टू यूज़ क्या बोलते हैं आपको डेटा सेट मिल जाते हैं. आपको यहाँ पे लोगों के कोड और सबमिशन दिख जाती हैं, कोर्सेज हैं अवेलेबल. आपको बस यहाँ पे साइन इन करना होता है अपनी ईमेल आईडी के साथ. ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं. आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है. आप इस पर क्लिक करें और एक डाउनलोड आपका हो जाएगा सब कुछ. आफ्टर डाउनलोडिंग ये कैसा दिखेगा वो हम देख लेते हैं पहले. तो एक आपको जिप फाइल में डाउनलोड होगा, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना और उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि बहुत सारी CSV फाइल्स जो हैं आपके पास सामने आ चुकी हैं. लेकिन अगर आप एक पावर BI के बिगिनर हो तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पावर BI के अंदर डेटा सेट एक होना चाहिए. हाँ, ये हो सकता है कि एक एक्सेल शीट है उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं या फिर एक MySQL का डेटाबेस है और उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं जो इसको आप आपस में कनेक्ट करके यूज़ करते हो, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एक कॉमन टेबल या डेटाबेस नहीं है. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल CSV फाइल्स हैं और वो आपस में कहीं से भी इंटरलिंक्ड नहीं है. तो उस चीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाए, तो सबसे पहले तो क्योंकि ये .csv है तो इसको डायरेक्ट ना ऐसे यूज़ करते हुए हम इसको एक एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ. क्योंकि मेरे को प्रोटोटाइप बनाना था, इस वीडियो को बनाना था, इसलिए मैंने कुछ डेटा सेट्स को यूज़ किया है. मैंने कुछ फेमस डेटा सेट्स को यूज़ करने के लिए सो दैट आपका जो विजुअल ग्राफिक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉच ना हो जाए, इसलिए मैंने सारे के सारे CSV फाइल्स नहीं लिए हैं पर कुछ ही लिए हैं. ठीक है, और यहाँ पे जिस फोल्डर में आपने रखा है उसी फोल्डर में आप राइट क्लिक करें और न्यू पे जाके एक एक्सेल शीट को चालू कर लें. ठीक है, एक एक्सेल शीट खोल लें नहीं और उसको नाम दे दें, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ क्रिप्टो डेटा. ठीक है, और उसके बाद इसको ओपन कर लें. तो आ गए हैं हम अपनी नई क्रिप्टो डेटा .xlsx पे. अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको आपको सीधा जाना है अपने इंसर्ट डेटा पे. डेटा पे जाके आपको शायद अगर नहीं पता होगा तो हम क्वेरी एडिटर को एक्सेल शीट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर इंटीग्रेटेड ऑप्शन आपको मिल जाता है. तो ये एक निंजा टेक्निक होने वाली है आपके जो है एक नया डेटाबेस, एक एक्सेल शीट डेटाबेस को तैयार करने के लिए जिसमें बहुत सारी अलग अलग CSV फाइल्स हैं, उनको क्लस्टर करके सिर्फ एक कॉमन टेबल बना दिया जाएगा. क्योंकि वो सारी CSV फाइल्स में जो कॉलम्स हैं वो सिमिलर हैं, वो कॉमन हैं. ठीक है, तो हमें क्यों अलग अलग डेटा, और वैसे भी इट इज़ नॉट फीजिबल टू वर्क विद पावर BI व्हेन यू हैव डिफरेंट इंडिविजुअल CSV फाइल्स, वो पॉसिबल ही नहीं है. आपको इंपोर्ट में सिर्फ एक CSV फाइल इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है. तो ऐसे केसेस में हमेशा रिकमेंडेड होता है कि एक्सेल शीट पे जाके आप इस चीज़ को क्लस्टर कर लें पहले और एक कॉमन फाइल बना लें, कॉमन टेबल बना लें. तो सबसे पहले आपको आ जाना है न्यू क्वेरी पे, डेटा में न्यू क्वेरी पे, और उसके बाद फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर क्लिक करना है. आप सोच रहे हो कि फ्रॉम CSV क्यों नहीं करना है, फ्रॉम CSV करेंगे तो सिर्फ एक ही CSV फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया जा सकता है. फ्रॉम फोल्डर में यू कैन चूज मल्टीपल ऑप्शंस. आगे उसके बाद हम लोग को ब्राउज करना है और ब्राउज करके हमने अपना CSV को यहाँ पे रखा है, इसे ओके कर लेते हैं डेस्कटॉप पे. हाँ, यही मेरा फोल्डर था. अब इसके बाद ये थोड़ा सा आपको फेमिलियर लुक देगा जो पावर BI पे पहले भी काम कर चुके हैं उनको.
फिलहाल आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो उन लोग ने एक एग्जांपल देखी कैसा ये दिखने वाला है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम एडिट करेंगे, सब कुछ करेंगे। कंबाइन पे क्लिक कर दें, कंबाइन एंड एडिट, ठीक है। इस पे भी ओके कर दिया। और अब आप देखोगे तो क्रिप्टो पावर क्वेरी एडिटर खुल चुका है। क्या बात है। ये पावर क्वेरी एडिटर जो है ये हमने CSV फाइल, सॉरी अपनी एक्सेल शीट के साथ खोला हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो कोई काम नहीं अब। तो यस, तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इन्होंने एक नाम दिया हुआ है .csv फाइल की, कहाँ से इस डेटा को उठाया। और आप देखोगे अगर ध्यान से तो इसमें इसने सारे के सारे जितने भी उस फोल्डर के अंदर हमने यूज़ किए थे ना, वो बाइनेंस कॉइन ही नहीं, उसके अलावा जो भी मैंने यूज़ किया था बिटकॉइन और वो सब भी इसके अंदर इम्पोर्टेड है। थोड़ा और ज़्यादा स्क्रोल करना पड़ेगा कि, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से क्लिक करके पता चल जाता है। तो फिलहाल तो इस पे लोड मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। हाँ तो अब ये देखिए सब सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। एक सेकंड के लिए तो मैं भी डर गया था कि क्यों ऐसा आ रहा है। तो ठीक है, हमारे पास सारे के सारे जो हैं डेटा सेट जो हैं इन द फॉर्म ऑफ CSV जो थे, उन सबको हमने एक जगह ले आए हैं। अब इसको यहाँ से हमें इसको डिलीट कर देना, हमें ये कॉलम ही नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे ये कॉलम चाहिए ही नहीं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता और किसी कॉलम को डिलीट करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम क्लोज एंड लोड, ठीक है, जैसा कि हम अपने ट्रांसफॉर्म डेटा पे करते थे पावर बी आई पे। जिनके लिए फर्स्ट वीडियो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर बी आई पे हम ये सब कुछ करने वाले हैं, तो आप समझ ही जाओगे। अच्छा अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हाँ ये सही से आ गया है नहीं। आई थिंक इट इज़ ऑल गुड, एक टेबल बन के आ चुका है जिसमें हमारा सारा का सारा डेटा भी आ गया है, ठीक है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और यही अब हमारा फाइनल डेटा सेट होने वाला है हमारे पावर बी आई पे काम करने के लिए। तो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आर डेटा सेट। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे दो शीट्स बन चुकी हैं, तो पहली शीट को या तो डिलीट कर दो, ठीक है, पहली शीट हमें चाहिए नहीं, सिर्फ एक ही शीट चाहिए, और फिर ऐसे कंट्रोल एस वापस कर दो। इस चीज़ का ध्यान रखना कि दो शीट ना हो, और होंगी भी तो फालतू में जब आप पावर बी आई पे डेटा को लोड करोगे तो दोनों की दोनों शीट एज अ डिफरेंट टेबल लोड हो जाती हैं, जो कि वहाँ पे आज जाके आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यू हैव टू डिलीट इट। अब जाके इसको बंद करते हैं और खोलते हैं अपने पावर बी आई को। तो जी पावर बी आई खोल लिया है नया, और अब इसके साथ क्या करेंगे, हम करेंगे डेटा को इम्पोर्ट जस्ट लाइक लास्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हमने इस बार भी एक्सेल शीट ही सेव करी है, तो ना क्लिक ऑन एक्सेल शीट, आप अपनी डायरेक्टरी में चले जाओ जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है, वहाँ से ओपन कर लो। थोड़ा सा अपना ये नेचुरली टाइम लेता है लोड करने के लिए, तो उसको इतना टाइम देते हैं अपना। बाकी तब तक डिसाइड करते हैं कि इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिज़ाइनिंग के साथ साथ, ठीक है, डिजाइनिंग भी साथ में रहेगी, और कह सकते हैं कि जो बाकी काम है जैसे डिज़ाइनिंग के साथ बैकग्राउंड हो गया आपका, साथ में एलिमेंट्स हो गए, तो वो सब कुछ एक तरह से एक सिंक्रोनाइजेशन में चलेगा, ठीक है। तो हम इसको लोड कर लेते हैं अभी। हर बार लोड करने के बाद डेटा को एक बार चेक कर लेना चाहिए आफ्टर लोडिंग की, ठीक है वो सही से लोड हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे लास्ट टाइम थोड़ा डेटा में करप्शन आया था, जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका हेड था उसको डेटा कंसीडर कर लेता है कई बार, जो आपका मेन कॉलम नेम होता है उसको कई बार वो डेटा की तरह कंसीडर करता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है, विच आई शोड ऑन पावर क्वेरी एडिटर। ओके सो आई गेस डेटा इज़ अपलोडेड, और एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, इस टैब में, ये डेटा टैब है, इसके अंदर सारा डेटा जो आपका उसका आपको ग्लैंस मिल जाता है, और कुछ बहुत एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ डेटा आ चुका है, और देखते ही एक और गलती यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो ये है कि वॉल्यूम जो है हर एक की जीरो दिखा रहा है, आ रहा है क्या, सही से आया है, चेक करना पड़ेगा।
हाँ डेटा है, सही से आया है। आई गेस इसका वैल्यू जीरो ही था इसलिए जीरो दिखा रहा है। ठीक है, तो डेटा में करप्शन तो नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने लायक है, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट स्टॉक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो ये जो सारी वैल्यूज है ना, दीज आर एक्चुअली करेंसीज। ठीक है, ये करेंसी है एक तरह से, ये डॉलर में वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे इसको ये कंसिडर एज अ जनरल न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम इसको पहले ऑन हैंड इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट दैट कॉलम। और ये चीज़ माइंड करें कि एक बार में एक ही कॉलम सिलेक्ट होता है, इसमें मल्टी कॉलम सिलेक्ट करने का ऑप्शन शायद, या तो मुझे नहीं पता है, पर जनरली नहीं होता है। तो यहाँ पे जनरल पे आके इसको करेंसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और कलर करेंसी पे क्लिक करने के बाद एक और स्टेप जो है उसको इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसको भी कंसिडर कर लेना ज़रा, कि अगर यहाँ पे डॉलर साइन इन केस नहीं आ रहा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका डॉलर नहीं है, कोई और करेंसी दिखा रहा है और उसको आपको डॉलर में दिखाना है, तो ये जो साइन देख रहे हो डॉलर का, यहाँ से चेंज कर सकते हो। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे एंड यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, जो करेंसी सही लगती है, जो जिस करेंसी में डेटा बाय डिफॉल्ट था, अगर वही करेंसी चाहिए और इन केस इसने डॉलर कंसिडर कर लिया, यू कैन चेंज इट। ठीक है, और इसी तरह जैसे ये किया, इसी तरह हमें लो के लिए भी करना है, ओपन क्लोज के लिए और मार्केट कैप के लिए भी करना है। वॉल्यूम के लिए वी डोंट हैव टू डू इट, वॉल्यूम के लिए कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़। तो सेम इसके लिए भी वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो ये पॉजिटिवली हो चुका है सब कुछ चेंज डॉलर्स में। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, बैकग्राउंड सबसे पहले डाल लेते हैं, और मैं चाहता हूँ यार इसी स्टेप में अगर आप भी करोगे ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि होता ये है कि पहले हम लोग एलिमेंट्स डालते हैं और उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे लेयर का ऑप्शन पड़ता है। ठीक है, बाद में उसको चेंज करना मुझे नहीं लगता वो इतना फिजिबल है, बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है। आपको कुछ नहीं करना है, एलिमेंट पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू कम हेयर ऑप्शन में आके पेज बैकग्राउंड पे। ठीक है, पेज बैकग्राउंड में आ जाना है और ऐड इमेज करना है। ऐड इमेज जो है मेरे पास वो डाउनलोड्स में मैंने रखा था, ये रहा। तो हमने जो थीम इस बार सोचा है वो इस बार जो है वो हम हुआ है एक ट्रांसपेरेंसी। हाँ, तो ये बाई डिफॉल्ट 100 होती है, कई बार तो एक बार ज़ीरो करके देख लेना, कई बार आपकी ज़ीरो होगी तो उसको 100 कर लेना। ठीक है, और इसको करना है फिट हमें, तो ये मेरा बैकग्राउंड रहने वाला है। ठीक है जी, अब आप सोच रहे हो कि ये बैकग्राउंड कहाँ से आया, तो ये मैंने कैनवा के ऊपर थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया और थोड़ा बहुत इसमें एलिमेंट्स उसमें पहले से ही थे, तो उसको फिर कंसिडर करके और उसके अंदर कुछ कलर कॉम्बिनेशंस जो मेरे को लगा सही रहेंगे इस डेटा सेट के लिए, सॉरी इस डैशबोर्ड के लिए, वो मैंने कर लिया। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स को इंपोर्ट करा के। तो डेटा तो हमारे पास आ ही गया, हमने देख ही लिया ये डेटा है। ठीक है, कुछ जो ट्रांसफॉर्म डेटा हमें करना होगा इन फ्यूचर वो हम ज़रूर करेंगे, बट पहले पहले जो ऑन हैंड हमें दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्लाइजर डाल लेते हैं यहाँ पे। स्लाइजर किस चीज़ के लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका कैसा कितना बढ़िया यूज़ हो सकता है। कुछ नहीं करना है अपने आपको, आपको इसको यहाँ पे लिखा है ना स्लाइजर, ये रहा, स्लाइजर ऑप्शन पे क्लिक करना है। और के ऊपर हमें लेके आना है हमारे नेम। तो नेम जो था इसके अंदर आपके सारे जो जितने भी बिटकॉइंस थे, सॉरी जितने भी क्रिप्टो करेंसी थी, वो सारे के सारे ये देखिए, जैसे बिटकॉइन हो गया, बाइनेंस, कुछ कॉइन सारे के सारे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये ब्लैंक आ रहा है, आई गेस ब्लैंक नहीं आना चाहिए। तो ब्लैंक को हटाने के लिए शायद हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म डेटा करना पड़ेगा आई गेस। तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डेटा को, बिकॉज यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक शुड नॉट कम हेयर। एक और तरीका ये भी है कि आप फिल्टर कर लो उसको, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप डेटा सेट को एक बार में ही चेंज कर लो, उसको एडिट कर लो, रादर देन जस्ट अप्लाइंग अ फिल्टर। तो अब क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके लोड मोर पे क्लिक करते हैं, और जो नल है उसको अब हम यहाँ से ई सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके। इससे हुआ क्या कि एक फिल्टर लग जाएगा यहाँ पे, ये फिल्टर ट्रांसफॉर्म डेटा में लग रहा है, ना कि एक किसी एलिमेंट पे लग रहा है। ठीक है, जो हम डिज़ाइन करते हैं, तो देर इज़ अ डिफरेंस। इसके बाद साथ ही साथ और तो मुझे नहीं लगता कुछ अभी के लिए ज़रूरत है, आई गेस एवरीथिंग इज़ गुड। तो हम चलते हैं आगे।
अब ये ट्रांसफॉर्म क्योंकि किया है हमने डेटा, सो इट विल टेक अ वाइल। ठीक है, आई गेस। हाँ तो यहाँ पे देखो अब सब हट चुका है। अब इसे ऑन मतलब साथ ही साथ इसको एडिट भी कर लेता हूँ, हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू गो और एडिटिंग करनी है। तो सबसे पहले जनरल में आ जाओ और वर्टिकल से इसको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में ले आओ, सो दैट ये आपको कुछ बटन की तरह दिखना स्टार्ट हो जाए। और इसे ऐसा कर लेते हैं जैसा कि हमने इमेज में भी देखा था। फिर नीचे जाते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है उसको हटाना नहीं है बट उसको चेंज करना है, जैसे कि ब्लैक कलर लेके आना है और ट्रांसपेरेंसी कर देनी है आपको नियर अबाउट 60% आई गेस। हाँ ये सही रहेगा। साथ ही साथ बॉर्डर जो है उसको तो भी ओके कर लेते हैं। और बॉर्डर जो कि हमने देखा था नियोनिक इफेक्ट आ रहा था, अगर आपको याद होगा फोटो में, वो बहुत आसान है लाना उसको। मैंने जो कलर डिसाइड किया था वो यही कलर था, तो मैं गया था यहाँ पे और ये जो कलर है आप इस कलर कोड को नोट डाउन कर सकते हैं या जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है उसको वैसा यूज़ करें। मैं कोई आपका एक ऐसा नहीं कि यही करना है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और रेडियस रख देते हैं 20। ऑलराइट, तो अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो करेंगे हम इसको शेडो, और शेडो के अंदर जो कलर है वो सेम कलर देना है, ठीक है। आउटसाइड रखना है, बॉटम राइट ठीक है मेरे लिए, मेरे को यही अच्छा लग रहा है और ये ओके है मेरे लिए। इसके बाद जो आपके बटन्स हैं एक तरह से कह सकते हो, जो डेटा है उसको भी हमें थोड़ा चेंज कर लेना है। वट वी हैव टू डू इज़ सबसे पहले तो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इस पर मैं बाद में भी आऊँगा वापस जब एक नया स्लाइजर यूज़ होगा यहाँ पे, उस पर भी एक बार वापस आएंगे। यहाँ पे ना सिंगल सिलेक्ट को ऑन कर लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न मैं थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के साथ। सिंगल सिलेक्शन यहाँ पे ऑन कर लिया और इसके बाद क्या किया कि आइटम्स में गए और फॉन्ट कलर जो है उसको वापस हम कुछ थोड़ा सा डार्क इसमें रख लेते हैं। इसको वाइट ही रखना है, इसको वाइट रखना है, अपने बैकग्राउंड को चेंज करना है। फॉन्ट कलर सही है, बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज करते हैं हम, और बैकग्राउंड को लेके आते हैं थोड़ा सा डार्क, ये इट सीम्स गुड। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको कहीं नोट कर लें क्योंकि इसका यूज़ अब एक से ज़्यादा बार होने वाला है, ठीक है। पहले जो था उसका मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंस है कुछ, लेकिन इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये डिज़ाइनिंग के साथ ही साथ हम कर रहे हैं और अगर आप देखो तो अभी तक ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। तो आप देख ही रहोगे कि कितना आसान है इसमें डिज़ाइनिंग करना, विजुअलाइजेशन जो है बहुत आसान होती है इसके अंदर, पावर बी आई के अंदर, वो बहुत कमाल की चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने ये इसको डिज़ाइन किया है ऐसे ही हमें अब क्योंकि एक और स्लाइजर को इंसर्ट कराना है यहाँ पे, एक और स्लाइजर यूज़ करने वाले हैं, और उस स्लाइजर को यूज़ करने के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमें साथ में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म डेटा पहले बिफोर हैंड करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये है कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, ईयर को जो था ईयर जो हमारा बिटकॉइन है उसका ईयर में भी अगर हमने डेटा देखा होगा, मैं यार बार बार बिटकॉइन क्यों बोलता हूँ, आदत लग गई है, तो बिटकॉइन नहीं क्रिप्टो करेंसी। हाँ तो ये जो आप ये इसमें आप देख रहे हो डेट दे रखी है, किस डेट पे और किस टाइम पे क्या हाई था क्या लो था, ओपन क्लोज वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसमें हमें ईयर को अलग से डिस्प्ले कराना है सो दैट हम ईयर का ऑप्शन स्लाइजर में यूज़ कर सकें, जस्ट लाइक वी डिड इन लास्ट वीडियो। तो वापस हम चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे, ये मैं साथ ही साथ इसलिए कर रहा हूँ सो दैट एक फ्लो समझ में आता रहे कि हाँ क्यों इसको किया जा रहा है। अब चलते हैं और ऐड कॉलम में जाके कस्टम कॉलम,
ही नहीं ठीक कोई बात नहीं, तो ठीक है एक बार वापस से सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज डिज़ाइनिंग फिर वापस हमें करनी पड़ेगी। तो अब जाएंगे और ईयर कॉलम को यहाँ पे प्लेस पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और अब ये देखो ये हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं, एक ऑप्शंस क्यों लेके आया मैं वो इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो हम डिस्प्ले कराने वाले हैं जितना भी हमारा डेटा होगा उसके लिए कुछ स्लाइसेस ज़रूरी होते हैं, ठीक है, कौन सा बिटकॉइन यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे तो हमने एक चीज़ करी थी कि सिलेक्शन कंट्रोल्स में जाके सिंगल सिलेक्ट को ऑन किया था, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं करना है। क्या मुझे 2018 और 19 का एक साथ देखना है, ठीक है, मुझे 2018 और 19 का विजुअलाइजेशन एक साथ कराना है तो कैसे होगा? तो अगर आपने सिंगल सिलेक्ट ऑन कर लिया तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को ऑन नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसको भी सिमिलर डिज़ाइनिंग जो मैंने यहाँ पे करी थी वो भी इसको फटाफट से इसमें दे देता हूँ, ठीक है। तो इतना तो हो गया, यहाँ पे हम आ चुके हैं, इसको मैंने सेम डिज़ाइनिंग वही करी है और इसमें हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ कंट्रोल। अगर मैं कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ और साथ में क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट हो सकते हैं एंड वी कैन डिसलेक्ट एज वेल। यहाँ पे एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा, इफ़ यू विल क्लिक कंट्रोल देन ऑल्सो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होने वाला है, तो वो चीज़ है। और हाँ एक और चीज़ नोटिस करो कि ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि किसी में जो डेटा है वो 2015 का अवेलेबल है इथेरियम में, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर बाइनेंस कॉइन, तो इसलिए 2017 से दिखा रहा है। तो आपस में भी इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। ये क्यों इतना आसानी से इंटरकनेक्ट हो चुका है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है, ठीक है, एक टेबल के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल थे, तो हमें उसको मॉडलिंग भी करनी पड़ी थी। इस एटलीस्ट इस डेटा सेट में वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम मेन चीज़ जिसे विजुलाइज कहते हैं वो करवाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें लाइन चार्ट पे क्लिक करना है और लाइन चार्ट में एक्सेस के ऊपर हम डाल देंगे डेट, डेट कॉलम को एक्सेस के ऊपर डाल देंगे और वैल्यू पे डालेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन को, वैल्यूज़ पे डालना है याद रखना, वैल्यूज़ पे। अब आप देख रहे हो कि कुछ ग्राफ वैसा तो नहीं है जैसा हम देखना चाहते हैं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमें ना क्वार्टरली चाहिए और ना ही हमें आई गेस ईयरली के अलावा मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं चाहिए ये, बट ठीक है देखते हैं कैसा होता है। इसे वैसे नॉर्मली रखा जाए और एक बार इस पर क्लिक किया जाए। ओके सो ईयरली आ रहा है, आई गेस देयर इज सम इशू विद दिस। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, तो इस पर क्लिक करके एक बार ईयर को हटा के देखते हैं। हाँ अब कुछ सही लग रहा है, और मंथ्स को भी हटा के देखते हैं एक बार। डेज वाइज आई गेस इट्स लुकिंग बिट बेटर, लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही है। कुछ ग्राफ जो है उसमें प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इसको डीसिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ ये 1 से लेके 30 तक के डेट में वैल्यू दिखाएगा, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन करा रहे हैं वो कैसी सही रहेगी। तो एक बार इसको वापस हटा के पैसे डालते हैं। तो आई गेस आई हैव फिगर्ड आउट कि क्या दिक्कत है, मैंने उसको वापस से यहाँ पे डाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ दे रहा था, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज़ नोट इट डाउन समवेयर, और या इस चीज़ को याद रखना। डेट हायरार्की यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके डेट हायरार्की की जगह डेट पे क्लिक कर देना है, सो दैट वो सिर्फ एक उसको सिंगल एंटिटी माने। नाउ आई गेस द ग्राफ इज़ लुकिंग गुड और रिप्रेजेंटेबल है। अब इसमें क्या है, जैसे कि बिटकॉइन का ग्राफ है कुछ ऐसा दिख रहा है, या चलो इथेरियम का ग्राफ लेते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये 2021 के रिगार्डिंग ग्राफ इतना हाइक इसलिए ले रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है 2020-2021 के टाइम पे। तो लेट अस सपोज हमें सिर्फ 2019 का ग्राफ देखना है फॉर NEM, तो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि कैसा उसका रहा है परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। और जब आप किसी एक डेटा पॉइंट पे जाओगे तो उस पे डेटा पॉइंट पे विद टाइम डेट और उसका कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे ही मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें अगर सम टोटल दिखाना हो, फॉर एग्जांपल कि इस पूरे साल में क्या टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ था वो भी दिखाना हो, तो वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। और भी कुछ चीज़ों को हैं जो इंसर्ट करेंगे, बट बिफोर दैट इसको भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन दे देते हैं। तो यहाँ पे भी स्टेप्स वही सिमिलर करने हैं कि बैकग्राउंड को चेंज करना है जस्ट लाइक दिस, और बॉर्डर भी सेम रखनी है एंड शैडो चेंज करनी है, वो फटाफट से कर लेते हैं। तो डिज़ाइनिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इस डेटा को मैंने ऑरेंज कलर में प्लॉट करा दिया।
अब जो आता है एक नया स्टेप, जो कि शायद आपको नहीं पता होगा कि जो पावर बी आई में पॉसिबल है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड थिंग्स इन इंडस्ट्री, जो है फोरकास्टिंग। जैसे आपने वेदर फोरकास्ट देखा होगा, स्टॉक मार्केट में फोरकास्टिंग देखी होगी। अगर आपने नहीं भी देखी है ना, एक बार काम करो, गूगल क्रोम पे जाओ एंड सर्च फॉर गूगल स्टॉक्स, तो आपको ना एक ग्रे कलर की लाइन दिख रही होगी। दैट इज़ वॉट कॉल्ड फोरकास्ट, एक तरह से प्रिडिक्शन करना फ्यूचर का। तो वो चीज़ पॉसिबल है ग्राफ के अंदर इन पावर बी आई एज वेल। तो कुछ नहीं करना है, आपको अपना एलिमेंट सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कि आपका जो एलिमेंट है ना, वो एक लाइन चार्ट है। बिकॉज मैंने ट्राई किया इसको कई और चार्ट्स के साथ, बट इट्स नॉट शोइंग, वो ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल फोरकास्ट का। आपने अभी तक इन दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपने इस ऑप्शन को, एटलीस्ट हमारे वीडियोज में हमने तो एक्सप्लोर नहीं किया था इसको। तो इस वाले ऑप्शन में आ जाओ और नीचे जाके फोरकास्ट का ऑप्शन होता है एक, क्लिक ऑन फोरकास्ट। फोरकास्ट पर जाके ऐड कर दो फोरकास्ट को, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो ये कि सबसे पहले तो पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स की जगह मंथ्स कर देते हैं, कि हमारा जो डेटा है वो ईयर वाइज है, ठीक है। तो हमने मंथ्स कर दिया, और एक साथ में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने को पॉइंट्स यहाँ पे प्रेडिक्ट होके आना स्टार्ट होगा। कॉन्फिडेंस हम 90% कर देते हैं, कॉन्फिडेंस मतलब कि कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सीजनलिटी, मतलब कि एक तरह से कितना गैप चाहिए आपको, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ रिकरिंग सीजनल पैटर्न, तो क्योंकि एक साल में 12 महीने और 12 महीने में 365 डेज होते हैं, तो वही चीज़ करके एक बार अप्लाई करते हैं। तो ये देखो, अब कुछ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन को ट्रांसपेरेंसी थोड़ी, ओके सो इट्स नॉट, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, थोड़ा ये वाला कलर लेते हैं जिससे दिखना स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखने तो स्टार्ट हो गई। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रिडिक्शन है, इस डेटा की प्रिडिक्शन करी जा रही है आगे अगले 12 महीने के लिए। अगर मैं इसको डी सिलेक्ट करता हूँ, देन यू विल गेट टू नो कि क्या चीज़ होने वाली है। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, तो यहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही होंगी आपको, आई डोंट थिंक सबको अच्छे से दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज कर देता हूँ। फिल में लाइन रखते हैं सर, हाँ। अब आई गेस थोड़ा आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ यहाँ, ठीक है। तो आप अगर देख सकते हो ना, तो तीन लाइंस दिख रही हैं आपको यहाँ, जो कि प्रेडिक्शन लाइंस हैं। जो अपर बाउंड है जो ऊपर की लाइन है, ठीक है, लोअर बाउंड जो नीचे की लाइन है, कि मतलब हद से हद इतना नीचे जा सकता है, हद से हद इतना ऊपर जा सकता है, और प्रेडिक्टेड लाइन जो है इनका एवरेज निकाल के बीच में से निकल रही है, ठीक है। तो ये एक प्रेडिक्शन करी जा रही है पावर बीआई की तरफ से आपके नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, ठीक है, अगले साल के लिए, क्योंकि हमने सिलेक्टिव उसको उस तरीके से किया था। इसमें आप और थोड़ा एक्सप्लोर करो, मैं चाहता हूँ। इसमें और भी आपने देखा होगा बहुत से ऑप्शंस थे प्रेडिक्शन के अंदर, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज टाइप के, इसका यूज़ किया जा सकता है इसको और बेहतरीन बनाने के लिए। बट इट डिपेंड्स कि हम क्या करना चाहते हैं। और इस बार थोड़ा सा इसमें और चेंजेस लाते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, और हमें उस पर यहाँ से ही सीधा रीडायरेक्ट होना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बटन्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अच्छा, उससे पहले, बटन्स ऐड करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि इस बार क्योंकि हम मल्टी पेज बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों बनाने जा रहे हैं मल्टी पेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है, साथ ही साथ एक मल्टी पेज भी क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें जाना है इंसर्ट पे, न्यू पेजेस पे, और डुप्लीकेट पेज पे क्लिक कर दो, सो दैट आपको डिज़ाइनिंग वापस ना करनी पड़े। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज़ वहाँ पे पेस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम चेंज करते हैं यार, ये पेज इन्फॉर्मेशन में जाके पेज नेम जो है इसको पेज टू कर देते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पेज टू हो गया इसका नाम, ऑल राइट, ये पेज वन है और ये पेज टू है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, वो कि जैसे मैं यहाँ पे इथेरियम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपने देखा कि ये तो इंटरैक्टिव है, यहाँ पे ग्राफ चेंज हो गया। अगर तो मैं 2019 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे इथेरियम का 2019 का 2018 का ग्राफ जो है ये सब दिख रहा है, ठीक है, और ये आपस में सब कुछ सिंक्ड है। लेकिन ये जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं वो यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो पेज टू है हमारा, वहाँ पे अभी भी वही बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस जो थे वही सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ तो वो पहले वाले पेज पे चेंज नहीं ला रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो डैशबोर्ड क्रिएशन है वो इस कैटेगरी में फिट होता है,
कि आपको चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे चेंजेस चाहिए। क्यों चाहिए धीरे धीरे समझ जाओगे, क्योंकि इन एलिमेंट्स को मैं हटा के यहाँ पे कुछ और डिस्प्ले कराऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ जैसे ये जो स्लाइजर है ना मेरे, ये सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्टेलर क्लिक कर रहा हूँ और 2021 क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पेज वन पे भी वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हो जानी चाहिए। तो मैं जो दोनों स्लाइजर हैं उनको मुझे सिंक करना पड़ेगा दोनों पेजेस पे। तो जो सिंकिंग ऑफ स्लाइजर है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली किया भी जाता है, और इसके लिए पावर बी आई ने इसको ध्यान में रखा है। कुछ नहीं करना है हमें, अपने स्लाइजर पर क्लिक करना है और व्यू में जाके स्लाइजर सिंक स्लाइजर्स करके ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हो पेज वन और पेज टू पे ये अभी तक सिलेक्टेड नहीं है, और ये विजुअल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने दोनों पेज पे इसको रखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है, और इसके बाद जब ये सिलेक्ट हो जाता है क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इथेरियम सिलेक्ट किया और 2016 सिलेक्ट किया। ओके लेट मी सिलेक्टेड। हाँ अब देखते हैं कि अब पेज टू में भी ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है। ओके ऑल राइट, सो ये सिलेक्ट नहीं हो पाया, आई गेस कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ तो मैं समझ गया क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है कि हमने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया था, इसको ही सिंक किया था, लेकिन इस स्लाइजर को सिंक नहीं किया। तो इसलिए इथेरियम का जब मैं क्या बोलते हैं स्टेलर पे क्लिक करूँगा तो वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ एक स्लाइजर के लिए। हमारा जो ईयर वाइज स्लाइजर है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। आप किसी भी स्लाइजर पे चले जाओ, पेज वन के या पेज टू पे, बिकॉज हमें इन चीज़ों को सिंक करना ही है, दैट इज़ द मोटो। तो अब हम क्या करेंगे, पेज वन और पेज टू को यहाँ पे भी सिंक कर देंगे सेकेंड स्लाइजर के लिए, और इसको क्लोज कर देंगे। तो अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि स्टेलर और 2000 हम चलो बी सिलेक्ट करते हैं, और जब हम यहाँ पे आके चेक करेंगे हमारे पेज वन पे, तो वो इंटरकनेक्टेड है आपस में, इसलिए वो चेंज हो चुका है, देख सकते हो आप। तो इस चीज़ को बहुत आसानी से किया जा सकता था। अब इसके बाद, क्योंकि ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और ये कुछ नए स्टेप्स हैं, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बटन की तरफ। बटन का यूज़ किया जा सकता है और कुछ टेक्स्ट फील्ड का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि नॉर्मली ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इंसर्ट में जाओगे आप शेप्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि हम यूज़ करेंगे भी, इमेज का यूज़ कर सकते हो और बटन्स का यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स का। बटन्स का यूज़ इसमें तो बिल्कुल होगा, क्यों, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पेज से दूसरे पेज पर जाना है, कैसे जाऊँगा, आई हैव ओनली वन ऑप्शन कि मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे वो सब भी डैशबोर्ड में इंक्लूडेड चाहिए कि मेरे पास एक बटन हो जिस पे मैं क्लिक करूँ और वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाए, और जब मैं उस पे क्लिक करूँ, जो जब मैं पेज टू पे हूँ और वहाँ पे एक बटन अवेलेबल हो जिस पे मैं क्लिक करूँ और पेज वन पे शिफ्ट हो जाए, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है, वो बटन्स की हेल्प से पॉसिबल है। अब मुझे कहाँ जाना है, राइट की तरफ, बिकॉज इट्स पेज वन, ठीक है। तो मैं राइट एरो पर क्लिक करता हूँ और एक छोटा सा एरो बन के आ जाएगा यहाँ पे। इसको भी मुझे प्रॉपर डिजाइनिंग देनी है, जैसे हम देते हैं, जैसे इन सबको डिजाइनिंग दी थी, तो फटाफट से डिजाइनिंग खैर अब मैं दे दूंगा, वो तो आप समझ ही गए हो क्या डिजाइनिंग क्या करने वाले हैं, ठीक है। पहले इसको सिलेक्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो आप एक्शन पे ध्यान दे दो। एक्शन पे इसको ऑन करना है, एक्शन को, और यहाँ पे इसका बैक लिखा हुआ है इसने, ठीक है। इसको पेज नेविगेशन पे ले आओ, पेज नेविगेशन पे लाके नन की जगह पेज टू कर दो, क्योंकि हमारे पास पेज टू है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। पेज टू पे क्लिक किया, क्रॉस चेक करने के लिए इस पर कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप पेज टू पे आ गया। अब मुझे पेज वन पे वापस जाना है तो कैसे जाया जाए, तो उसका एक और बटन ले आओ, या तो यहाँ से लेफ्ट एरो ले आओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके बहुत सारे पेजेस हैं और आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो या डुप्लीकेट्स क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी राइट एरो क्लिक कर देता हूँ, विच डजेंट मेक एनी सेंस, यहाँ पे लेफ्ट एरो होना चाहिए, फिर भी मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। कैसे, अभी दिखाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे अपना बटन रखना था, लेकिन मुझे इसको एरो को सेट करना है, मैं रोटेशन का तो कोई ऑप्शन है नहीं, बट हाँ आइकन पे आप नीचे ड्रॉप डाउन करोगे तो राइट एरो जो ऑप्शन है उसको लेफ्ट एरो पे क्लिक कर दो, बस ख़त्म। और फिर नीचे आओ और एक्शन को ऑन करो, एक्शन में जाके सेम पेज नेविगेशन करना है हमें, और नन की जगह पेज वन करना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक इमेज को भी एक बटन की शक्ल दे सकते हैं, एक इमेज इंसर्ट करो और उसको बटन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, इमेज पे क्लिक किया, लेट अस सपोज कि मेरे को अपना लोगो जो है कंपनी का वो एंड टू एंड है, ठीक है, तो वो कैसे होगा,
तो ये एक इमेज आ गई है। अब इसके बाद इस इमेज को मुझे प्लेस करना है इस तरीके से, यहाँ पे, ठीक है। और इसको प्लेस करने के साथ आई वॉन्ट टू ट्रीट इट कि मैं इस पर जैसे क्लिक करूँ तो मैं अपने वेबसाइट यूआरएल पे चला जाऊँ, तो वो चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इस पर क्लिक करोगे, एक्शंस को ऑन करोगे और इस बार बैक के बजाय वेब यूआरएल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी कंपनी का यूआरएल दे दो। सो एक बार इस पर मैंने यूआरएल डाल दिया था, ठीक है, अपने चैनल का यूआरएल यहाँ पे डाल दिया था एक्शन में। और एक बार इसको अब कंट्रोल क्लिक करके देखते हैं तो क्या ये खोलता है अपने लिंक को या नहीं। जैसा आप देख सकते हो सक्सेसफुली इसने खोल दिया है एक्सटर्नल लिंक को और ये अपने चैनल का होम पेज आ गया। ये सारे वीडियोस भी देख लेना यार, ये फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बहुत मेहनत लगाई थी इनमें भी। अगर आप हो इस चीज़ से रिलेटेड और आप क्या कोई फ्रेंड आपका है इन चीज़ों में तो उसको प्लीज़ शेयर करना, ठीक है, बढ़िया कॉन्टेंट है। आगे चलते हैं, तो इतना हो गया। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर लेते हैं साथ ही साथ। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू विद दिस। तो सबसे पहले तो ना साइज़ बढ़ा लो थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बोल्ड में, इस कलर में क्रिप्टो, ये दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, बात नहीं, पर देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी, हाँ क्रिप्टो करेंसी डैशबोर्ड, तो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट। कुछ भी लिख सकते हो यार, मेरा जो है डैशबोर्ड उससे रिलेटेड है, मैं सोचा एक बार ऐसे लिख देते हैं, ये सब आपकी मर्जी है, डिजाइनिंग विजाइनिंग जो भी है, ठीक है। और इसमें फिर इसका भी बैकग्राउंड हमें हटा देना है और इसे ड्रैग करना है और एक सेंटर पे लाके रख देना है, सिंपल। तो ऐसे ही आप और भी, अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपको किसी के नीचे ऊपर लिखना ज़रूरी है रैदर देन उनके टाइटल को मैं मेंशन करना बट उनको एक एक्चुअली हाईलाइट करना, ठीक है, तो आप ऐसे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो पूरे पेज के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को हमें दूसरे पेज पे भी लेके जाना है, तो जो डुप्लीकेट करना होता है ना, आई सजेस्ट यू वो तब किया करो जब आपका सब कुछ रेडी हो, ठीक है। अब खामखा मेरे को जितने भी एलिमेंट्स मैंने बाद में डिजाइन किए उनको दूसरे पेज पे भी लेके जाना पड़ेगा, विच इज़ रिक्वायर्ड, सॉरी पहले पेज पे ना, सिस्टम इतना फास्ट नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, काम चल रहा है, बस आगे चलते हैं। और इसमें हाँ, अब जो मेन स्टेप था इसके आगे वाला, जिसको मैं कह रहा था कि बटन्स के बाद जो हम कह रहे थे ना कि कुछ जैसे मार्केट कैप को मुझे दिखाना है इन टर्म्स ऑफ कि वो टोटल कितना, टोटल मार्केट कैप कितना है ना, तो वो चीज़ें बहुत आसानी से लास्ट वीडियो में भी हमने कवर करी थी। कार्ड का यूज़ करना है हमें, ठीक है, कार्ड का यूज़ करना है और कार्ड में हमें वैल्यू डालनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऑल राइट, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई है यहाँ पे, और बढ़ते हैं इसको डिज़ाइन करते हैं फटाफट से। पहले मैं चाहता हूँ उसकी कॉपीज़ कुछ बना लूँ फटाफट से और उसके बाद डिज़ाइनिंग करूँ उनकी। डिज़ाइनिंग वही सेम रहेगी जो बाकी सब में करी है, और डिज़ाइनिंग मैंने पहली बार आपको दिखाई थी कैसे इसको छोटा छोटा कर सकते हैं। फटाफट से इसके कॉपीज़ बनाते हैं और उनमें कुछ और डेटास डालते हैं, वो मैं दिखाऊँगा आपको धीरे धीरे क्या चीज़ है। हाँ जी, तो यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसके रेप्लिकास बना दिए, कॉपी पेस्ट या है इनको इसी को। अभी आप देखोगे मैंने सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज किए हैं, और इस वाले में वॉल्यूम में मैंने जो यहाँ पे मार्केट कैप था ना वहाँ पे वॉल्यूम डाल दिया, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया आराम से, कार्ड इंसर्शन हो चुकी है, अब हमें इनको चेंज करना है। अब आप सोच रहे हो यार ये मैंने अलग अलग कलर क्यों दिए हैं, है ना, इसको ग्रीन, इसको रेड और इसको वाइट, ठीक है, तो ये क्यों दिया, इसका पूरा एक रीज़न है। मेरे को यहाँ पे ना हाई, यहाँ पे लो और यहाँ पे एवरेज दिखाना है। एवरेज ऑफ व्हाट, हाई ऑफ व्हाट एंड लो ऑफ व्हाट। तो हमें क्योंकि ये ग्राफ प्लॉटिंग है, क्योंकि ये स्टॉक्स से रिलेटेड है, तो हमें ये दिखाना होता है कि हाई कितना गया, ठीक है, लो मिनिमम उस दिन कितना गया, कि किसी एक डेटा पॉइंट पे या पूरे साल में कभी भी, है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये दिखाने के लिए होता है आपका हाई और लो, ठीक है, और जो आपका एवरेज होता है वो ये दिखाने के लिए होता है कि किसी पर्टिकुलर डे का या किसी पर्टिकुलर मंथ का या किसी पर्टिकुलर ईयर का क्या एवरेज रहा था, ठीक है, मार्केट में। तो अभी तो हमने मार्केट कैप यूज़ किया, तो लेकिन हम मार्केट कैप हटा के कुछ और यूज़ करेंगे। पहले इसका बैकग्राउंड जैसे चेंज कर देते हैं, शैडो को वाइट कर देंगे सो दैट थोड़ा अच्छा दिखे, और के बॉर्डर को भी वाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो चीज़ हमने कर ली, अब हम स्टार्ट करते हैं हाई के साथ। अब जो हाई है इसमें
हमारा मेन चीज़ है कि सबसे पहले तो इसका टाइटल चेंज करते हैं, क्योंकि मार्केट कैप नहीं है। उससे भी पहले इसमें ना डेटा चेंज करते हैं, इसमें डालेंगे हम हाई को, ठीक है, वी हैव टू शो हाई। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, हाई का टोटल दिखा के कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हाई का टोटल दिखा के उसका कुछ समझ में, मतलब कोई उसका वो नहीं बनता है, टुक नहीं बनता है, ठीक है। तो हमें सम नहीं दिखाना है, बजाय उसके मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम दिखाएगा वो कि ठीक है, ए 2020 में स्टेलर का क्या मैक्सिमम मार्केट कैप क्या था, ठीक है, सॉरी मार्केट कैप नहीं, हाई क्या था, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊं आपको डेटा सेट के अंदर, तो हाई वैल्यूज जो हैं वो ये है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक पर्टिकुलर डेट पे उसकी क्या हाईएस्ट वैल्यू थी, क्या लोएस्ट वैल्यू थी, किस पे वो ओपन हुआ था, किस पे क्लोज हुआ था, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। और ऐसे ही लो के अंदर थोड़ा सा और चेंज आएगा, लो के अंदर लो लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम करना है, ठीक है। मिनिमम आप देख रहे हो, मिनिमम यहाँ पे 0.0 जा रहा है और ये इतना जा रहा है। लेकिन चलो कुछ और देखते हैं हम लोग, बिटकॉइन का देखते हैं एक बार। तो बिटकॉइन का अभी तक का हाईएस्ट क्या था और लोएस्ट क्या था, ठीक है, वो चीज़ लिख के आ रहा है। तो लोएस्ट जो है बिटकॉइन का, अगर मेरे को इसको पर्टिकुलर डे पे देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको 2020 का नहीं देखना है, मुझे पूरे पूरे उसका लो देखना है, ठीक है, तो वो कुछ आपको ऐसा कुछ दिखाएगा। और इसी तरह सिर्फ मुझे 2020 के अंदर पर्टिकुलरली देखना है तो मेरा लो क्या था और हाई क्या था, ठीक है, या 2013 का देखना है कि लो और हाई क्या था। तो आप देखोगे नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आपको एक वैल्यू दिखनेगी जो है $147 और 134, ठीक है। और जैसे ही इसको थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, कहीं और लेके जाते हैं, तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। पहले तो यार थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, इसका हेडिंग चेंज कर देते हैं, टाइटल जो है का, सॉरी इसको सेलेक्ट करना था, टाइटल में जाके यहाँ पे हम लिख देते हैं हाई, ठीक है, इसमें लिखते हैं लो, और जो एवरेज है उसको अभी हम करेंगे कैलकुलेट, उसका पूरा एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, विच विल बी द नेक्स्ट पार्ट। तो फिलहाल इतना आप समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लो जो है वो पूरा बिटकॉइन का अभी तक का लोएस्ट जो वैल्यू है वो $65.5 जो है वो दिखाएगा, ठीक है। 2021 में पर्टिकुलरली क्या लो था और क्या हाई था वो दिखाना है। तो 28 अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ जहाँ, तो ऑलमोस्ट लाइक इसके आसपास कुछ वैल्यू आएगी, ये देखिए वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, उस दिन का, दिस इज पर्टिकुलर डेज हाई एंड पर्टिकुलर डेज लो, ठीक है, जब हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया है, और हमने जब पूरा ग्राफ सिलेक्ट किया हो तो उस पूरे ग्राफ में सबसे हाई और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी, ये दोनों हम यहाँ पे प्लॉट आउट कर सकते हैं। अब जो एवरेज है उसको भी करना है, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़, यहाँ पे ना शेप्स करके होता है, शेप्स से आप इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो, मैं दिखाता हूँ कैसे। सेम इसको थोड़ा छोटा करना है, इसकी डिजाइनिंग करनी है, एंड के बाद थोड़ा एक मिनट को मैं प्रॉपर पोजिशनिंग कर देता हूँ। यहाँ पे लाके इसको एक जैसे हाई और लो का डिज़ाइन होता है, ठीक है, तो वो चीज़ करनी है, तो वो कर देते हैं फटाफट से। तो अभी इतना तो हो गया, यहाँ पे मैं एक वो शेप लेके आया, उसको क्लिक किया और उसको एड कलर किया सेम टू सेम, उसको प्लेस कर दिया। यहाँ पे एक डैश लेके आया, उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, हमारी ये चीज़ अभी भी बाकी है, और इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम आ गए हैं, और एवरेज का हमें जो है काम करना है पूरा, ठीक है, एवरेज वाला रह रहा है। सबसे पहले ऐड कॉलम्स में आ जाओ और कस्टम कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ पे एवरेज कैसे निकलेगा, हाई और लो को ऐड करके उसका डिवाइड बाय 2, दैट इज़ द एवरेज, ठीक है। तो वही फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो हमारा है, इसका नाम हम रखते हैं एवरेज, और फार्मूला यूज़ करेंगे हाई प्लस लो, इसको ब्रैकेट में डालो, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या बन के आता है, ठीक है। तो वी गॉट समथिंग, और एक चीज और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं, ठीक है, तो वो चीज भी एक बार चेक कर लेंगे।
हाँ तो ये देखो, ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था इस पे। पहले तो इसे हम डेसिमल नंबर पे ले आते हैं, ठीक है, सो दैट जो ओरिजिनली हमें चाहिए वैसा आ जाए, ठीक है। अब क्रॉस चेक करने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, 0.10 आ रही है ना वैल्यू, हाई और लो को देखते हैं, 0.1 और 0.09। हाँ ठीक है, तो आई थिंक इट्स ऑल गुड, ठीक है, सही वैल्यू आ रही है। इसे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। ठीक है, डेटा लोड हो गया है, लेट अस चेक इट वंस। तो हम लोग एवरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखते हैं एवरेज कॉलम आ चुका है, ठीक है, ओके डन। तो अब हम एवरेज को यहाँ पे पेस्ट करते हैं एक बार, ऑल राइट। लेकिन यहाँ पे एक और चेंज करना है, वो ये है कि इस डाउन एरो पे क्लिक करके वी हैव टू डू दी एवरेज, ठीक है, हमें एवरेज पे क्लिक करना है। एवरेज पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, इफ़ यू कैलकुलेट तो 64 और 28 का एवरेज क्या आ रहा है, नियर अबाउट 45, ठीक है। तो वही चीज़ हमें करनी थी यहाँ पे जो हम हासिल कर चुके, तो एटलीस्ट हमारा एक जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे डैशबोर्ड पे, ठीक है, जो हमारा सेकेंड पेज है उसके ऊपर, और इस पेज से सबसे पहले तो दो चीज़ें और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है, ठीक है, इन दोनों को हमें यहाँ पे भी लेके आना है, इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया है और इसको थोड़ा साइज भी मैंने सही कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे हमें अब मार्केट कैप सिर्फ ऐसे नहीं दिखाना है, वी हैव टू शो समथिंग एल्स। डेट तो रहेगी लेकिन मार्केट कैप वैल्यू में नहीं रहेगा, इंस्टेड ऑफ मार्केट कैप हम लोग यहाँ पे हाई और लो रखेंगे, उसका भी रीज़न बताता हूँ क्या है। तो हेयर वी आर क्रिएटिंग इज व्हाट डिफरेंस, वी आर कंपेयरिंग द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पर डे, ठीक है। तो आपको शायद अभी दिख नहीं रहा होगा, लेट मी जस्ट एडिट इट अ लिटिल बिट। हम लोग जाएंगे और डेटा कलर्स में जाके फॉर हाई वी विल कीप इट ग्रीन, ठीक है, और जो लो है उसके लिए हम रेड रखते हैं, जो कि हमने उसके लिए भी रखा था। तो नाउ आई गेस इट्स वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि एक दिन में क्या हाई और क्या लो का डिफरेंस क्या था, ठीक है। इट इज़ अगेन लाइन चार्ट ओनली, ठीक है, और आप चाहो तो कोई और ग्राफ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वी आर नॉट फोरकास्टिंग एनीथिंग, फोरकास्टिंग यहाँ पे हो ही नहीं सकता पॉसिबल। देखा, फोरकास्ट अपने आप ही हट गया, जो पहले मार्केट कैप में था वो ऑटोमेटिकली हट चुका है, दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं फोरकास्ट। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक और बना के इसको पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट, एंड थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ हाई और लो हम लोग ओपन और क्लोज दिखा सकते हैं, ठीक है, ओपन एंड यहाँ पे हाई और लो नहीं चाहिए, इसकी जगह क्लोज चाहिए, तो विल डू इट, ठीक है, और लो को यहाँ से उड़ा देते हैं। तो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि ओपन और क्लोज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये सेम ही ग्राफ है, मतलब सेम ही डेटा, सेम ही दिन के लिए है, बट यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है, कि ओपन और क्लोज एक दिन में कितना हो रहा है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस ग्राफ को बनाने का क्या मतलब है, ठीक है, क्या लॉजिक बैठ रहा है। लेट अस सपोज इस पॉइंट पे लो जो था, मतलब कि जो उस दिन का लो था वो बहुत ज़्यादा था और उस दिन का हाई भी बहुत ज़्यादा था, तो रेंज जो थी एक दिन की वो बहुत ज़्यादा थी। इस रेंज का क्या रीज़न हो सकता है, वी हैव दी डेट्स, हम उस डेट पे चेक कर सकते हैं कि उस दिन कोई ऐसा इंसिडेंट या किसी तरह की कोई बयानबाजी किसी मंत्री के थ्रू या इस जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्राफ है या जिस बिटकॉइन का एक ग्राफ है, उस दिन कोई किसी तरह का कोई खजाना बाहर निकला, कोई गोल्ड की एक नई खान सामने आई या कुछ ऐसा कोई भी चीज़ जिससे कि थोड़ी हड़बड़ी मची मार्केट में, और जो हाई और लो था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर गया, ठीक है, कि एकदम से जंप कर गया आपका जो क्या बोलते हैं स्टॉक, या फिर एकदम से ही वो नीचे चला गया। तो इट कैन बी एनी रीज़न, ठीक है, कोई कैलामिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलर गोज फॉर ओपन एंड क्लोज एज वेल। तो ओपन मतलब कि उस दिन मार्केट 9:15 जब खुली है तो उस दिन उसका क्या भाव से वो स्टार्ट हुई थी, और क्लोज मतलब वो दोपहर को जब 3 या 3:15 बंद होती है तो उस वक्त उसका क्या भाव था, क्या उसका प्राइस था, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर, ठीक है। ये ग्राफ इसीलिए है, ये जानने के लिए ही होता है ओपन और क्लोज। आई होप आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, और इसको आप अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हो। इस बार थोड़ा डिज़ाइनिंग पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, मुझे कई लोगों ने बोला है थोड़ी डिज़ाइनिंग और अच्छी बनाओ,
ठीक है, और बेहतरीन बनाओ। तो वही चीज़ करी है, आई होप यू लाइक द कॉन्टेंट। और अल्टीमेटली यही था इस प्रोजेक्ट में हमने क्या सीखा, फोरकास्टिंग, ठीक है, हाई एंड लो पता करने या एवरेज, ये जो यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ किए। उसके अलावा हमने ये दिखा कि सिंकिंग कैसे होता है, ये मल्टी पेजेस में आपस में सिंक कैसे होता है डेटा, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रही है, सी एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। तो यही चीज़, यही हमें दिखाना था कि कैसे मल्टी पेज आपस में सिंक करते हैं, एंड नॉट ओनली टू पेजेस, वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ पेजेस एंड वी कैन लिंक देम टुगेदर, ठीक है। सिंकिंग इज़ वेरी वेरी इजी टू डू, आपको अपना जो स्लाइजर है उसको सिंक करना होता है विद एवरी पेज और वट एवर पेज इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सिंक्ड, ठीक है। तो वो चीज़ थी जिसको हमने किया। प्लस एक और जो चीज़ सबसे पहले हमने करी थी कि कैसे CSV के बहुत सारे फाइल्स को हमने क्लस्टर करके एक डेटा सेट क्रिएट करा और उसके बाद उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए, ठीक है। तो यही चीज़ है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया और कुछ धमाकेदार लाएंगे अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय।